गाइस 5G को लेके मार्केट में बहुत तगड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है और पूरी खलबली मची चारों तरफ 5G को लेके, क्योंकि 5G के आने से पहले इतनी सारी मतलब लोगों ने इतनी सारी डिटेल लोगों को ऑलरेडी बता रखी है कि 5G आएगा तो ये हो जाएगा, 5G आएगा तो ये हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मतलब नॉर्मल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उन लोगों के मतलब मन में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट जाग उठा कि भैया अब तो 5G चलाना है, 5G का एक्सपीरियंस करना है, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें 5G के साथ करनी है। लेकिन यहाँ पर 5G को लेके किसी को मतलब एग्जैक्ट मतलब खबर नहीं मिल पा रही है कि 5G के जो एक्चुअल प्राइसिंग होगी वो क्या होगी, 4G से डबल होगी या 4G से आधी होगी या क्या होगी, मतलब यहाँ एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 5G की जो प्राइसिंग होगी वो 4G से जस्ट डबल होगी, और कुछ लोग यहाँ पर ये भी बताते हैं कि 5G की जो प्राइसिंग होगी वो होगी 4G के ही बराबर। अब क्या होने वाला है ये मतलब एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। अब अगर इसको हम लोग डीपली समझना चाहते हैं एकदम सही से, तो हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, जिस टाइम 4G आया था। अब देखिए, जिस टाइम 4G आया था उस टाइम पे जितनी भी मतलब नॉर्मल पब्लिक थी, ज़्यादातर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर पब्लिक जो थी उन लोगों को इंटरनेट के बारे में नॉलेज नहीं थी, बहुत कमी लोगों को इंटरनेट के बारे में पता था। अब इंटरनेट के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी, इस वजह से उतनी हाइप क्रिएट नहीं थी जिस समय 4G आया था। आज के समय पर क्या है, आज के समय पर बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों को इंटरनेट की नॉलेज है और अच्छी खासी नॉलेज है, तो इस वजह से आज जो मार्केट में है काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। अब पहले क्या था, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, तो इस वजह से हाइप बन ही नहीं पाई थी। तो भैया जब किसी को इंटरनेट के बारे में सही से नॉलेज ही नहीं होगी तो वो 3G 4G 5G क्या ही करेगा। तो इसी वजह से जियो ने अपनी फ्री सर्विसेज भी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हो पाएँ और उनकी मतलब सर्विसेज का मज़ा ले पाएँ, उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में 4G क्या है। जब भाई उन लोगों को पता चला और उन लोगों को उस चीज़ की लत लग गई, तब जियो ने अपनी प्राइसिंग को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक एंगल से अगर दूसरे मतलब एंगल से सोचें तो 4G के लॉन्च करने के बाद जियो ने बहुत घाटा झेला, क्योंकि उसने फ्री सर्विसेज काफ़ी टाइम तक दी और उसी घाटे को अब ये 5G से शायद ये 5G से रिकवर करेंगे। अब मतलब एक एंगल से मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये ऐसी कोई मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक एंगल से अगर हम लोग देखें तो शायद ये 5G से रिकवर करेंगे, क्योंकि 4G के बारे में बहुत कमी लोगों को पता था। तो 4G के मतलब 4G के जो अगर महंगे महंगे प्लान अगर जो इस समय मतलब जो प्राइसिंग पे अगर जो 4G आ रहा है यही प्राइसिंग पर अगर ये स्टार्टिंग में मार्केट में उतरते यही प्राइसिंग लेके, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट ही ना हो पाते, इनको फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि जिस चीज़ को मतलब जिसके बारे में लोगों को पता होगा वही तो आदमी बाय करेगा। अब मान लो मुझे नहीं पता है कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा है, तो मैं क्यों ही उसको बाय करूँगा। तो इसी वजह से अब क्या है कि अब सभी को पता है इंटरनेट के बारे में, सभी को पता है और अच्छे खासा पता है। तो भैया इस वजह से अब 5G के बारे में इतनी सारी मतलब हाइप क्रिएट हो चुकी है और सभी लोग 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही 5G आएगा तो फटाफट से लोग बाय करने लगेंगे। तो हो सकता है कि 5G से सारे जितने अभी तक इन लोगों ने घाटा झेला, जितना भी इन लोगों ने पैसा लगाया है, वो सभी वो 5G से मतलब रिकवर कर लें। और वैसे क्या था कि भैया फ्री के चक्कर में जिनको नहीं भी पता है, जिनको मतलब इंटरनेट का आई भी नहीं पता, उन्होंने भी बाय कर लिया कि भैया ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर बंद हो जाए। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती ले लिया। अब भैया ज़बरदस्ती ले लिया तो कुछ ना कुछ तो आदमी उसमें यूज़ करेगा, यूज़ किया फिर उसको नॉलेज आई, फिर और नॉलेज आई, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें लोगों को पता चल गई। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जैक्ट प्राइसिंग की, तो अभी यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ निकल कर नहीं आई है जिसके बेस पर मैं आप लोगों को बता सकूँ कि एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, जितनी मैंने रिसर्च करी है और जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो उस हिसाब से मुझे जितना भी पता चला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है 5G प्लान की, जो प्राइसिंग होगी वो 4G प्लान से 10-20% तक ज़्यादा हो सकती है। ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ हो सकती है। अब क्या होने वाला है ये आप लोगों को मतलब कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों में अभी कुछ महीने ही बचे हैं, कुछ महीनों में 5G इंडिया में आ ही जाएगा। अब इंडिया में आएगा फिर इनको मतलब ये मान लीजिए आप 2023 के लास्ट तक, 2023 के लास्ट तक ये पूरे इंडिया में बहुत बहुत तगड़े तरीके से फैल जाएंगे, तो आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना था इस वाली वीडियो में, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।